राम राम सभी किसान भाइयों। और आज हम पहुंचे सूर्य एजेंसी, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर ये होलैंड एजेंसी है। तो आज हम यहाँ पहुंचे, इसका रिव्यू करेंगे। और अभी आपके सामने जो ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये न्यू होलैंड का 9010 ट्रैक्टर है। इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, एक एक फीचर के बारे में बताएंगे इसके। तब मतलब वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको अच्छे से देख लो एक बार। पहले आपको चारों तरफ से इस ट्रैक्टर को दिखाता हूँ मैं, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे भाई। ये आप देख सकते हो भाई, ये मैं तो ट्रैक्टर नहीं से आती बोलूँगा भाई, मेरी जितनी हाइट का ये ट्रैक्टर है। ये देखो भाई, काफ़ी भाई ये भाई अपने को बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में फीचर। अच्छा, फोर व्हील ड्राइव। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है। इसका सीएल ठंडा करने के लिए आता है, ये अपना इंटरकूलर आता है। अच्छा भाई, इधर एक टर्बो के लिए ठंडा करने के लिए, ये स्काईबार सिस्टम लगा हुआ है इसका। अच्छा भाई, ठीक है। और ये अपना एल क्लीनर है, सुखा फ्री क्लीनर आता है इसका, डबल चोकर आते हैं शो के अंदर। अच्छा भाई, इसके अंदर ये जाली आती है एक अलग से, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर कचरा ना जाए, हाथ लगाने के लिए दिक्कत आती है। मतलब ये बाहर से, मतलब बाहर से इसे आप साफ कर सकते हो, इसलिए जाली ये निकल जाती है बाहर। हाँ, निकल जाती है भाई, इसको निकालना चाहते हैं निकल जाती है ये बाहर। ये मतलब जाली निकल जाती है, कचरे को मतलब रोकती है, अभी अंदर ना जाए, इस वजह से ये जाली का जिसमें सिस्टम दे रखा है भाई। ये रेडिएटर दो क्यों दिए भाई? दो रेडिएटर, ये सीएल ठंडा करने के लिए दिया हुआ है, ये हवा ठंडा करने के लिए दिया हुआ है, पीछे ऊपर दिया हुआ है। अच्छा भाई, तो आगे की जो प्लेटें लगी हुई है भाई, इसके बारे में? ये वेट दिए हुए हैं आगे, स्लिपेज, फोर व्हील ड्राइव के लिए स्लिपेज की दिक्कत आती है, वो स्लिपेज ना हो इसके लिए वेट दिए गए। अच्छा भाई, कितने केजी की एक ये प्लेट है? ये 40 केजी की एक प्लेट है। मतलब कितनी लगी हुई? 8 प्लेट लगी हुई है, 3 क्विंटल 20 किलो मतलब इसके अंदर वेट है। तो इसके भाई टायर की अगर बात करें तो भाई कितने के आगे टायर? टायर है भाई इसके अंदर 12 4 24। अच्छा भाई, 100 लीटर का टैंक दिया हुआ है। अच्छा, 100 लीटर का ये फ्यूल टैंक मतलब दिया हुआ है इसके अंदर? ऊपर है टैंक? नहीं, ऊपर टैंक। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस दे रखा है, क्योंकि इसका जो ओ ट्रैक्टर यहाँ ऊपर होता है, इसके यहाँ पे नीचे दे रखा है, क्योंकि 100 लीटर का ये टैंक है, इस काफ़ी बड़ा है भाई। और भाई पीछे के टायर 18 9 30 के है भाई। तो भाई ऊपर के बारे में हमें, ये आपके ये पावर्सल ट्रैक्टर है। अच्छा भाई, ये पावर्सल बिना क्लच के आगे पीछे आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, इसको गियर को उठा के लगाओगे। अच्छा भाई, फॉरवर्ड और रिवर्स हो सकता है। अच्छा भाई, ठीक है। इसको लोडर रेगुलेटर के लिए ज़्यादातर पर लेते हैं, जिस गियर में चल रहा है अपना ट्रैक्टर उसी गियर में वापस बैक रिवर्स हो जाएगा। मतलब जैसे फोर गियर में आगे चलाएंगे तो फोर में बैक चलेगा, अच्छा इस गियर के द्वारा। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो इसकी अगर पीछे से बात करें तो भाई पीछे से सिलेंडर दिया हुआ अलग से। अच्छा भाई, वजन के लिए अपने? अच्छा, वजन के लिए एक्स्ट्रा, मतलब कोई वेट दिया हुआ है इसके अंदर? डबल पीटीओ आता है, अलग से पीटीओ भी आता है इसको। अच्छा भाई, ये लोक निकाल के पीटीओ निकल जाता है अपना। अच्छा, ठीक है, ये भी निकल जाता है, ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर आता है अपना। अच्छा भाई, और वेट कितना उठा सकता है भाई? ये 18 से 19 क्विंटल उठा सकता है। अच्छा भाई, तो इस ट्रैक इसको कनोपी खोलना चाहते हैं, ये बोर्ड खोल के कनोपी निकाल सकते हैं अपने। अच्छा, ऊपर वाला भी खोल सकते हैं? हाँ, बाई चांस इसको खोलना चाहते हैं, ऊपर से भी अलग से खुल जाता है। कितना एचपी ट्रैक्टर है भाई ये? 90 एचपी ट्रैक्टर। अच्छा भाई, 4 सिलेंडर 90 एचपी ट्रैक्टर आता है अपने। अच्छा भाई, और पावर ब्रेक आते हैं इसके अंदर? अच्छा भाई, अभी भाई मैं आपको इसे ऊपर से बताता हूँ इसके बारे में। ये भी है एक, इसका ये लॉक दिया गया है यहाँ से, ये स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने। अच्छा, स्टेयरिंग को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे ये लॉक दे रखा है भाई। जी सर, ये देखो भाई, यहाँ से नीचे से भी लॉक है इसके दिया हुआ, इसे दबाने के बाद आप स्टेयरिंग को आगे करना चाहते हो तो आगे, पीछे करना चाहते हो पीछे कर सकते हो। तो अभी आप इसके बारे में, आपको मैं मीटर के बारे में बताता हूँ भाई, काफ़ी डिजिटल भाई इसका ये मीटर दिया हुआ है, आप देख सकते हो भाई। कोई भी ट्रैक्टर में अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे इश्यू होगी भाई, जो भी है। और काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है ऊपर से, और इसके ऊपर बैठने के बाद तो भाई ऐसे ज़बरदस्त फीलिंग आती है। मैं तो इसे भाई ट्रैक्टर नहीं इसे आती बोलूँगा, मतलब देख सकते हो मेरी जितनी इसकी हाइट है, कम से कम मेरी
हाँ ये आप देख सकते हो भाई, मेरा जितना ये देख रहे हैं तो ये हाथी हो गया भाई, काफ़ी अच्छा देख रहे हैं भाई ये, ठीक है।